हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन. सो रिसेंटली गाइस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च्ड कृषि मेघ एट नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद. सो यू हैव टू टेल व्हाट इज दिस कृषि मेघ. ये कृषि मेघ क्या है? ओके सो गाइस रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने कृषि मेघ लॉन्च किया है एट द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, जो कि गाइस एक डेटा सेंटर है, डेटा रिकवरी सेंटर है ऑफ द ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है हमारा, उसके लिए एक डेटा रिकवरी सेंटर बनाया गया है एट द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट NAARM, विच इज लोकेटेड इन हैदराबाद. एंड इफ यू टॉक अबाउट द करेंट डेटा सेंटर ऑफ ICAR, सो द करेंट डेटा सेंटर ऑफ ICAR इज एट द इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन दिल्ली. एंड वी ऑल नो दिल्ली इज अ सीस्मिक जोन, तो यहाँ पे अर्थक्वेक का खतरा बहुत ज्यादा रहता है. सो देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट ऑफ लूजिंग ऑल द डेटा, राइट? सो इसी वजह से ये जो डेटा सेंटर है इसको शिफ्ट करा जा रहा है एट अ प्लेस कॉल्ड नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट विच इज लोकेटेड इन हैदराबाद. ओके एंड दिस डेटा सेंटर विल बी नोन एज कृषि मेघ. And if you talk about Krishi Megh, so guys, it will be set up under the National Agricultural Higher Education Project, which is funded by both the central government and the World Bank. And guys, it has been built to mitigate the risk, enhance the quality, availability, and accessibility of e-governance, research, extension, and education in the field of agriculture in India. So it has a very broad objective of mitigating the risk, enhancing the quality, availability, and accessibility of e-governance. जो भी data है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करा जाएगा, उस डेटा को टाइमली अवेल कराया जाएगा, उस डेटा को क्वालिटी वाइज बेटर बनाया जाएगा ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके रिसर्च में, एक्सटेंशन में और एजुकेशन की फील्ड में इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया. ओके एंड दिस डेटा सेंटर विल बी इक्विप्ड विद द लेटेस्ट AI डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर एंड टूल किट्स फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग ऑफ डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस. एंड ऑल्सो इट विल बी इक्विप्ड विद अपडेटेड एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एंड रिसर्च जनरेटेड बाय द ICAR इंस्टीट्यूट. ओके सो दिस वॉज अबाउट दिस लॉन्च ऑफ कृषि मेघ. सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर इज व्हाट, डेटा रिकवरी सेंटर. एंड ICAR वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1929 एंड उस समय इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. ओके अभी जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एट दैट टाइम इट वॉज नेम्ड एज इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. एंड डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR. ओके एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. सो रिसेंटली गाइज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेडेड बाय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज लॉन्च्ड द मिनिस्ट्री द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशन 2020. Which statement is incorrect regarding these regulations? So guys, recently Ministry of Education has launched the minimum standards of architectural education regulation. So hame batana hai ki in regulations ke respect mein kaun si statement inme se incorrect hai. Okay. So let us first discuss about these regulations. So these regulations provides for registration of architects, standards of education, recognized qualification and standards of practice to be compiled by the practicing architects. जो भी प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उनके जो प्रैक्टिस है उसका स्टैंडर्ड किस लेवल का होना चाहिए, ये सभी चीजें इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी इन द न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशन 2020. एंड दीज विल कम इन टू फोर्स फ्रॉम द 1st November 2020. एंड दीज रूल्स हैव बीन नोटिफाइड बाय द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर विच वॉज एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, Architects Act of 1972. And these are some key highlights of this system, guys. So, सबसे पहले ये है choice based credit system introduce किया गया है इसमें. And what is this choice based credit system? So, इसमें guys होता क्या है कि choice based credit system will provides a learning platform where the student has the choice to select कोर्सेज फ्रॉम वेरियस कोर्सेज. ओके मतलब उसके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं कि वो बहुत सारे कोर्सेज में से एक कोर्स को सिलेक्ट कर सके. इट प्रोवाइड्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर द स्टूडेंट हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज देयर कोर्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज. ओके सो दिस इज अबाउट द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. इसमें प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. देयर विल बी एन एग्जिट ऑप्शन एट द एंड ऑफ 3 years एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड सम काइंड ऑफ डिग्री टू द स्टूडेंट. ज्यूरीज की और क्वालिफिकेशन की एग्जामिनर्स की
जो क्वालिफिकेशन है उनको इंक्रीज किया जाएगा. देयर विल बी स्टडी टूर्स, एक्सचेंज प्रोग्राम विद नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एंड अप्रेंटिसशिप बेस्ड लर्निंग विल बी एनकरेज्ड. ओके, सो अप्रेंटिसशिप बेस्ड लर्निंग पे काफी ज्यादा इंकरेज किया जाएगा, उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. ओके, सो दैट वाज अबाउट दिस आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशन. सो वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो दीज रेगुलेशन आर अप्रूव्ड आफ्टर 37 ईयर्स. यस, दिस इज गाइस एब्सोल्युटली करेक्ट. ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं बताया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि दीज रेगुलेशन आर अप्रूव्ड आफ्टर 37 ईयर्स. These regulations shall come into force from 1st day of November 2020. Yes, this is also correct. And these rules have been notified by the Council of Architecture, jo ki established kiya gaya tha under Architects Act of 1972. All right. So, isme sare ke sare statement absolutely correct hai. So, therefore, the correct answer will be what? Option D. All are correct. And now, let's move on to question number 3. For sustaining the behavioral change and promoting the capacity building of the key stakeholders like Swachhagrahis and other field functionaries associated with the phase 2 of Swachh Bharat Mission Grameen, Ministry of Jal Shakti has recently launched the Swachh Bharat Mission Academy. So the question is, what is the method of teaching or learning in this academy? So recently abhi ek Swachh Bharat Mission Academy launch kiya gaya hai by the Ministry of Jal Shakti, taki jo phase 2 hai Swachh Bharat Mission ka usse related jitne bhi stakeholders hai उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, उनका बिहेवियर चेंज किया जा सके और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके. सो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ टीचिंग और द लर्निंग इन दिस एकेडमी. सो गाइस, रिसेंटली दिस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हेडेड बाय मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, हुज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज जोधपुर इन राजस्थान, हैज लॉन्च दिस स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी विच इज अ मोबाइल बेस्ड लर्निंग कोर्स. ये एक मोबाइल बेस्ड लर्निंग कोर्स है एंड दिस हैज बीन लॉन्च फॉर सस्टेनिंग द बिहेवियर चेंज एंड प्रमोटिंग द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द stakeholders related to Swachh Bharat Mission Grameen. And these are some features of the course. Okay, so it is an IVR based free mobile learning course on ODF Plus, access to on demand anytime anywhere training course. It is with high quality and standardized content. It contains a 60 minutes module. It has 4 chapters. Iske andar 4 chapters hain, each with 4 audio lessons and a multiple choice quiz at the end of the chapter. And abhi the most important thing is that as of now, this content in the SBM Academy is in Hindi. इसमें केवल हिंदी में अवेलेबल है और किसी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, और आने वाले समय में इसको इंग्लिश में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा और रीजनल लैंग्वेज में भी इसको लॉन्च किया जाएगा. ओके, इन फ्यूचर दिस SBM Academy विल बी लॉन्च्ड इन इंग्लिश एज वेल एज इन द रीजनल लैंग्वेज. एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव, सो गाइज ऑब्जेक्टिव इज प्रीटी मच क्लियर. सो इट विल बूस्ट द कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स इन द ट्रेनिंग ऑफ स्वच्छग्राहीज, PRI members, community based organizations, NGOs, self help groups and others who are associated with the phase 2 of Swachh Bharat Mission Grameen. So jitne bhi stakeholders Swachh Bharat Mission Grameen se related hai, un sabhi ki capacity building ko boost kiya jayega under this Swachh Bharat Mission Academy. Okay, and now the question was, what is the method of teaching or learning in this academy? So the correct answer will be what guys? Option A, mobile based learning course. Option A, mobile based learning course will be the correct answer. And now let's move on to question number 4. Ministry of Tribal Affairs headed by Mr. Arjun Singh Munda, whose Lok Sabha constituency is Khunti in Jharkhand, is developing Tribal Freedom Fighters Museums dedicated to the contributions of the tribal people in the Indian freedom struggle. So the question is, how many museums are sanctioned? Or in sabhi museum ko 2022 tak bana diya jayega. And there are in total 9 museums that are sanctioned. So iska jo sahi jawab hai, that is option D, 9. And now let us discuss in some detail. So, Ministry of Tribal Affairs is developing Tribal Freedom Fighters Museum dedicated to the contribution of tribal people in the Indian freedom struggle to give due recognition to sacrifices and contribution to country's freedom struggle by the tribal people. Okay, and total is 9 museums banaye jayenge. Aur iske kuch key features ki agar hum baat kare, to there will be strong usage of technologies like virtual reality, augmented reality, 3D or 7D holographic projections. These museums will trace the history along the trails along which the tribal people in hills and forests fought for their right to live, and by the end of 2022 all 9 museums will come into existence. Okay, so therefore guys, the correct answer is what? Option D, 9. And now let's move on to question number 5, which is the last question for today. So question number 5 is, Atal Innovation Mission Niti Aayog in collaboration with Dell Technologies launched Student Entrepreneurship Program 2.0 for young innovators of Atal Tinkering Labs. Student innovators will receive supports from Dell volunteers, except जो जितने भी student innovators हैं उनको receive
उनको सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द डेल वॉलंटियर्स, इनमें से कौन सा एक सपोर्ट है जो कि नहीं मिलेगा? सो लेट मी टेल यू द आंसर फर्स्ट, द आंसर इज फाइनेंशियल सपोर्ट. फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें कोई भी प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा. नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल. सो रिसेंटली एम अटल इनोवेशन मिशन विच इज अंडर द नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद डेल टेक्नोलॉजीज लॉन्च्ड द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 फॉर यंग इनोवेटर्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स टू एस्पायर देम एंड टू क्रिएट अ वैल्यू एडिंग रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेटिव टैलेंट अक्रॉस द कंट्री. ओके, एंड द स्टूडेंट इनोवेटर्स विल रिसीव सपोर्ट्स लाइक प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग सपोर्ट. दे विल गेट, दे विल बी प्रोवाइड विद मेंटर सपोर्ट, एंड यूजर फीडबैक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड पेटेंटिंग ऑफ आइडियाज, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट्स, लॉन्च सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट. सो दीज आर सम सपोर्ट दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट इनोवेटर्स बाय द डेल वॉलंटियर्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट गाइज एसईपी 1.0 यानी कि स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 1.0, तो इसको लॉन्च किया गया था इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019. और इसकी जो टॉप 16 सी ऑफ एटीएल मैराथन जो कि एक नेशन वाइड कॉन्टेस्ट था, इनको चांस मिला था. दे हैव गॉट अ चांस टू ट्रांसफॉर्म देयर इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स इनटू फुल्ली फंक्शनिंग प्रोडक्ट्स. ओके, सो दिस इज वेरी ह्यूज सक्सेस फॉर दीज स्टूडेंट इनोवेटर्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट गाइज द डेल टेक्नोलॉजी, सो इट इज द लीडर इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. वी ऑल नो इट इज अ डिजिटल कंपनी प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू ड्राइव बिजनेस सक्सेस. ओके, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट गाइज, ऑप्शन ई, फाइनेंशियल सपोर्ट. ओके, एंड गाइज दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे. आई होप यू लाइक इट. फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. एंड फॉर मोर सेशंस लाइक दिस डू बाय आवर कोर्स ऑफ आरबीआई, सेबी, नबार्ड एंड यूजीसी नेट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.